इंडिया का ये ट्रैक जो कि साल में सिर्फ 4 महीने के लिए ओपन होता है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स में से एक ट्रैक माना जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये है वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक जो कि जून से सितंबर महीने में होने वाला मॉनसून ट्रैक है। इसे 3 से 4 दिन में पूरा किया जाता है और अगर आपको फ्लावर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में देखने हैं, क्वालिटी में देखने हैं, तो आपको जुलाई और अगस्त का महीना ऑप्ट करना चाहिए। हमने इसे किया था एक ट्रेकिंग कंपनी के साथ। अगर आप इसे अकेले भी करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है ऋषिकेश से, जहां से आपको गोविंद घाट ले जाया जाएगा। गोविंद घाट में एक रात स्टे करने के बाद सेकेंड डे आप गोविंद घाट से पुलना तक ड्राइव करेंगे और वहां से घांगरिया 9 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। घांगरिया पहुंच के रात को स्टे करेंगे, आराम करेंगे। डे 3 पे घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर आपको ले जाया जाएगा, मतलब ट्रैक किया जाएगा, जो कि 4 किलोमीटर का होता है। 4 से 6 किलोमीटर मान लो, क्योंकि घाटी पहुंचने के बाद आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं फूलों की घाटी। देन डे 4 वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वहां तक की जो यात्रा है वो है 6 किलोमीटर की। तो वो ट्रैक भी काफी डिफिकल्ट है, मॉडरेट है एक्चुअली कहा जाए तो। तो इस पूरे ट्रैक के लिए, वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब के लिए, आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करना मैं रेकमेंड करूंगी।